अपने जीवन में एक काम अवश्य करिए। क्या करना है? भगवान को स्वयं को समर्पित कर दीजिए। ये मन क्या है? मलिन है। आप सोचोगे कि मैं इसे धो लूं उसके बाद समर्पित करूं, ये संभव नहीं है। कलिकाल में ये मन मलिन ही रहेगा और इसे सौंप दो प्रभु को। कहते ना कि एक जब कुम्हार जो होता है वो जब मिट्टी को लेकर के आता है तो मिट्टी कैसी होती है उसे पता है? नहीं पता। अच्छे स्थान की है बुरे स्थान की है? नहीं पता। लेकिन उस माटी को लेकर के आता है, वो माटी क्या है? अपने आप को कुम्हार को समर्पित कर देती है। अब कुम्हार क्या करता है? कुम्हार के पास कई ऐसे बर्तन बनते हैं, कई ऐसे चीजें बनती हैं जो शीतलता भी प्रदान करती है और जलाती भी है। तो एक कुम्हार ने चिलम बना दिया, उस चिलम को देखा और देख करके कुछ सोचा, सोच करके उसने क्या किया, उस चिलम को पुनः बिगाड़ दिया और माटी में मिला दिया। अब माटी में मिला दिया और उसके बाद क्या बना दिया? कुछ सोच करके उसने एक सुराही बना दी। माटी ने पूछा कि ऐसा क्यों किया? बोले देख, जब तू चिलम बनती तो स्वयं जलती दूसरों को जलाती, आज सुराही बन गई तो स्वयं भी शीतल होगी दूसरों को भी शीतलता प्रदान करेगी। इसलिए भगवान को हम अच्छे हैं बुरे हैं जैसे भी हैं, आज प्रथम दिवस है, अपने आप को समर्पित कर दो आप भगवान के चरणों में कि जैसा हूं तेरा हूं, अब तू स्वीकार कर या ठुकरा दे, अच्छा हूं या बुरा हूं, बस दास हूं तिहारा। बस यही सोच करके हमारे ब्रज में संत लोग गाते हैं, ये मेरी अर्जी है। हम सबको भी कहना है कि हे माता रानी, यह हमारी अर्जी है। हम कुटिल, अपावन, अपवित्र, दोषी, विकारों से घिरे हुए, भरे हुए, लेकिन जैसे भी हैं तेरे हैं। तो तू अब जो चाहे, चिलम बनाना चाहे चिलम बना दे और सुराही बनाना चाहे तो सुराही बना दे।